HAL ने इंजन सप्लाई में हो रही देरी का निकाला रास्ता। किसी भी हालत में तय वक्त पर होगी विमानों की आपूर्ति। तेजस MK-1 विमानों का तेजी से किया जा रहा निर्माण। बुलेट ट्रेन की स्पीड से प्रोडक्शन के लिए शुरू की नई यूनिट। दोस्तों, भारत को इस वक्त वायुसेना के बेड़े में नए विमानों की सख्त जरूरत है। इसके लिए सरकार ने HAL को पहले 83 विमानों का ऑर्डर दिया था, बाद में 97 और विमानों का ऑर्डर दिया जा चुका है, लेकिन इनके प्रोडक्शन में इंजन आपूर्ति की दिक्कत आ रही है। भारत ने इंजनों की आपूर्ति के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से करार किया हुआ है, लेकिन कोरोना के वक्त में वर्किंग स्टाफ में आई कमी और इस कंपनी के मदद करने वाली कंपनियों का काम धीमा पड़ गया है। इस वजह से वक्त पर जी भारत को इंजन आपूर्ति नहीं कर पा रही है। पहले सितंबर से हर माह एक या दो इंजन की आपूर्ति होने वाली थी, लेकिन अब इसे अक्टूबर पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन इन दिक्कतों के बाद भी HAL के कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और वो तमाम विकल्पों के जरिए 2028 तक 83 विमानों की आपूर्ति के लिए ताकत झोंक रहा है। यहाँ तक कि हर साल बनने वाले विमानों की तादाद में बढ़त बनाने के लिए कंपनी ने नई यूनिट शुरू कर दी है, जिससे हर साल 24 विमान बन सकेंगे। तो दोस्तों, विमानों की आपूर्ति के लिए कंपनी ने उठाए मजबूत कदम और वायुसेना की ताकत में होने जा रही बेतहाशा वृद्धि के बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। भारतीय वायुसेना की ताकत को दमदार बूस्ट देने आ रहे तेजस Mk-1 विमानों का दम देखकर आप गदगद हो जाएंगे। इंजन डिलीवरी से पहले ही भारी तादाद में विमानों को किया तैयार। इंजन मिलते ही हफ्ते भर में असेंबल करके शुरू किया जाएगा टेस्ट, जबकि पहले से मौजूद इंजन के द्वारा पहली खेप की होगी डिलीवरी। भारत का स्वदेशी विमान LCA तेजस Mk-1 अपनी ताकत के लिए दुनिया में मशहूर है। ये इतना ताकतवर है कि इसके वायु सेना में शामिल होने के बाद भारत की हवाई ताकत में बेतहाशा उछाल आने वाला है और विमानों की कमी से जूझ रही भारतीय वायु सेना एक साथ दो मोर्चों को हैंडल करने में सक्षम हो जाएगी। हालांकि भारत के पास तमाम विकल्प पहले से मौजूद हैं, जिनकी वजह से वो अपने दुश्मनों को सबक सिखाने में सक्षम है, लेकिन तेजस Mk-1 विमानों के आ जाने से इस ताकत में बहुत बड़ी बढ़त मिलने वाली है। इन विमानों की ताकत के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कंपनी विमानों की वक्त पर आपूर्ति के लिए क्या कदम उठा रही है। HAL अब स्वदेशी लड़ाकू विमान के प्रोडक्शन के लिए प्लान बी पर काम कर रहा है और इस साल के अंदर वो किसी भी कीमत पर 14 विमानों को पूरी तरह तैयार कर लेगा। ये एयरक्राफ्ट तेजस विमानों का एडवांस वर्जन है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है और पहले विमान को अगले 2 महीनों के अंदर डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन अमेरिकी कंपनी G-404 इंजन की सप्लाई में देरी कर रही है, जिसकी वजह से विमान की डिलीवरी में भी देरी हो रही है। पहले यह तय था कि पहला LCA Mk-1A जुलाई में दिया जाएगा, बाद में इसकी डिलीवरी को 15 अगस्त तक बढ़ाया गया था। वायुसेना को ये विमान इतना पसंद आया है कि उसने इस विमान के 83 मॉडल का ऑर्डर दिया है। विमान का ढांचा तैयार कर लिया गया है और बाकी के पुर्जे भी लगाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस साल 16 विमान देने थे, जिसके लिए कंपनी ने नया प्लान बनाया है, जिसके तहत विमान का ढांचा और बाकी के पुर्जे पहले ही तैयार कर लिए जाएंगे और इंजन बाद में लगाया जाएगा, जब GE कंपनी इंजन की आपूर्ति ठीक से कर पाएगी। वहीं कंपनी इस साल अक्टूबर से इंजन की सप्लाई शुरू कर देगी, लेकिन इन नए इंजनों के इस्तेमाल किए बिना ही इस साल कम से कम 14 विमान तैयार हो जाएंगे, जिसके लिए HAL अपने पास रखे हुए पुराने इंजनों का इस्तेमाल करेगी और नए इंजन मिलने पर उन्हें तैयार विमानों में लगा दिया जाएगा, जिसमें केवल कुछ हफ्ते लगेंगे और विमान वायुसेना मिल जाएगा। इसी वजह से HAL बाकी का काम पहले ही पूरा किए ले रहा है, जिससे इंजन बस लगाने का काम बाकी रह जाएगा और वक्त पर वायुसेना को विमानों की डिलीवरी हो जाएगी। इस जबरदस्त प्लान की वजह से इंजन में डिले डिलीवरी में डिले की वजह नहीं बन पाएगा, क्योंकि HAL को अभी 97 विमानों के नए ऑर्डर को भी पूरा करना है, जबकि इसके बाद तेजस Mk-2 का प्रोडक्शन करना होगा और जब इन सारे विमानों की आपूर्ति हो जाएगी तो फिर Mk-1 का काम शुरू होगा। फिलहाल LCA Mk-1A के लिए 2 प्रोडक्शन यूनिट अभी बेंगलुरु में चल रही है, लेकिन इसमें तेजी लाने के लिए तीसरी यूनिट नासिक में शुरू की जा रही है, जो अक्टूबर से प्रोडक्शन शुरू कर देगी। नासिक यूनिट से पहला विमान इसी साल तैयार होगा। हर यूनिट एक साल में 8 विमान बनाएगी, जिससे इंजन में देरी होने के बावजूद ऑर्डर 83 जेट विमानों की डिलीवरी 2028 के पहले ही हो जाएगी।
जबकि पहला LCA MK-1A विमान उड़ान टेस्ट कर रहा है और जल्द ही इसे स्वदेशी हथियारों से लैस करके इसका टेस्ट किया जाएगा। इसे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस किया जाएगा, जबकि दूसरे विमान का अंडरग्राउंड ट्रायल चल रहा है और चार और विमान अपने आखिरी चरण में हैं। वहीं भारत इंजन डिलीवरी में तेजी के लिए जी पर दबाव बना रहा है। तेजस MK-1 विमान बेहद ताकतवर है, जिनके आने के बाद वायुसेना की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए रक्षा मंत्रालय इसके लिए ताकत झोंक रहा है। 50,000 फीट तक उड़ान भर सकता है ये स्वदेशी लड़ाका। 1980 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर करेगा हमला। तेजस के नए वर्जन को बेहद ताकतवर बनाया गया है। ये पिछले वेरिएंट से थोड़ा हल्का है, लेकिन यह साइज में उतना ही बड़ा है। ये 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 739 किलोमीटर है, जबकि इसकी फेरी रेंज 3000 किलोमीटर है। यह विमान 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें 9 हार्ड पॉइंट्स लगाए गए हैं, जिनमें भयंकर बम और मिसाइलों को इनबिल्ट किया जाएगा। इसके अलावा इसमें 23 मिलीमीटर की ट्विन बैरल कैनन लगी है। इस विमान में एडवांस्ड मिशन कंप्यूटर, हाई कैपेसिटी का डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, स्मार्ट मल्टीफंक्शन डिस्प्ले, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार, एडवांस्ड सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जैसी दमदार फैसिलिटी हैं, जो इसे बेहद भयंकर बना देती हैं। इस विमान में 2458 किलोग्राम फ्यूल आता है। LCA तेजस का कॉकपिट कांच का है, जिससे पायलट को चारों तरफ देखने में आसानी होती है। ये छोटा और मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो दुनिया भर के विमानों से सस्ता है। इसे ऐसी तकनीक से लैस किया गया है जिससे पायलटों को उड़ाने में बेहद कंफर्टेबल है। इसमें हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें KH-59ME, KH-59L, KH-59T, AASM हैमर लगाई जा रही हैं, जबकि ब्रह्मोस NG ALCM भी लगाने की योजना है। मतलब जब ये विमान हमला करेगा तो दुश्मन की हालत पस्त होनी तय है। ये विमान भारतीय वायुसेना को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम साबित होगा, क्योंकि भारत को फिलहाल विमानों के लिए विदेशों से आयात करना पड़ता है और इसके लिए एक बहुत बड़ा बजट खर्च करना पड़ता है। जबकि जब HAL भारी तादाद में विमानों का प्रोडक्शन कर लेगी तो उसके पास अच्छा खासा अनुभव आ जाएगा और उसके बाद वो लगातार एडवांस्ड लड़ाकू विमान तैयार करता जाएगा। जैसे कि भारत आज मिसाइल तकनीक में काफी आगे निकल चुका है। भारत खुद का सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम बनाने में लगा है। लड़ाकू विमान इस वक्त जंग में सबसे बड़ी ताकत के रूप में काम कर रहे हैं, जिनके जरिए मिसाइल या बमों से हमला किया जाता है। इसी वजह से भारत लड़ाकू विमानों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहता है। ये प्रोजेक्ट जितनी जल्दी पूरा हो जाएगा, उतनी ही जल्दी तेजस MK-2 का प्रोडक्शन शुरू होगा और उसके बाद भारत पूरी ताकत के साथ अपने 5वीं पीढ़ी के विमान को बनाने में जुट जाएगा। तो दोस्तों, HAL की प्लानिंग और तेजस MK-1 की ताकत पर आप क्या सोचते हैं? अपना सुझाव और विचार कमेंट करके जरूर बताएं।